हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अचीवर्स ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। माई सेल्फ निष्ठा एंड आई एम गोइंग टू टीच यू केमिस्ट्री ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डन अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज सेल पोटेंशियल एज वेल एज ईएमएफ ऑफ अ सेल। सो in the today's lecture we are going to start with a new topic based on that electrode potential which we have discussed in the earlier lecture, that is Nernst equation. This Nernst equation is very important for exams as well, because most of the numericals comes in the exams from this topic only. So we are going to start with the new topic, that is Nernst equation. So Nernst equation for electrode potential. Electrode potential को measure करने के लिए एक equation दी गई, that equation was named as Nernst equation. अब क्या था, suppose हमने एक electrode लिया, suppose copper sulfate की ही बात कर रहे हैं, copper की electrode लिया। अब जो copper sulfate है, अगर हम उसकी standard conditions ले लेते हैं, suppose 1 molar उसकी concentration ले ली, temperature हमने 298 Kelvin ले ली, then स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एथोड माइनस ई एनोड, अगर हम किसी सेल को कंसिडर करते। सो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन। अब वहां पे तो हमने स्टैंडर्ड ली थी 1 molar कंसेंट्रेशन, अब यहाँ पे अगर कोई और कंसेंट्रेशन आ जाए तो हम कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं? हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ Nernst इक्वेशन। सो Nernst equation क्या है? E cell is equal to E naught cell minus RT over NF log M upon M N positive. Suppose हमारे पास ये equation है, this is the equation. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, M N positive, general equation ली, कोई भी metal है जिसके ऊपर N positive charge है, अगर हम उसमें N electrons add कर देंगे then ये neutralize हो जाएगा और इसके ऊपर कितना charge आ जाएगा, zero. सपोज यहाँ पे हम कॉपर ले लेते हैं, सो कॉपर 2 पॉजिटिव, इट विल ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कॉपर। सो लेट अस टेक दिस जनरल एग्जांपल, कोई भी मेटल हो सकता है, कॉपर ले लो, जिंक ले लो, उसकी जगह पे कोई भी मेटल आप ले सकते। नाउ अगर ये हमारे पास इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है, देन यहाँ पे क्या करना है, ई सेल यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट गिवन कंसेंट्रेशन ऑफ एम एन पॉजिटिव। कोई कंसेंट्रेशन गिवन है आपको, सपोज 2 molar, 3 molar, 4 molar, जितनी भी कंसेंट्रेशन उसकी गिवन है, उस कंसेंट्रेशन के ऊपर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगी, दैट इज द ई, जिसको हम ई सेल बोल रहे हैं। ई सेल लिख लो या ई लिख लो, दैट इज योर चॉइस। नाउ ई नॉट सेल इज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स ईएमएफ ऑफ द सेल, जिसमें करंट की वैल्यू क्या थी, जीरो। जहां पे हम निकाल सकते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल इज ई कैथोड माइनस ई एनोड। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डन दिस, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो यहां से हम ई नॉट सेल निकाल सकते हैं। नाउ हियर आर इज अ गैस कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज फिक्स्ड, दैट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अगर ये यूनिट्स लेंगे तो ये होगा, अगर आप कैलोरीज में यूनिट्स ले रहे हो then the value will be 0.08321, but यहाँ पे हमने ये वाले units लेने हैं, because concentration will be given in per mole per Kelvin, Kelvin unit दिया हो। Now R is the gas constant, T is the temperature in Kelvin, temperature of 298 Kelvin standard हम लेके चलेंगे, so temperature हम कितना लेके चलेंगे, 298 Kelvin, that is the room temperature, room temperature होता है 25 degree Celsius standard, उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए वी विल प्लस इट बाय 273.15 और 273 फॉर इजीनेस, देन इट विल कम आउट टू बी 298 केल्विन। एंड एफ इज द फैराडेज कांस्टेंट, वी हैव डन इन द फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, 1 फैराडे इज इक्वल टू 965 00 कूलम्स। सो 1 फैराडे इज इक्वल टू 965 00 कूलम्स। नाउ व्हाट इज एन, एंड इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी होगी, 2। सो दिस इज द Nernst इक्वेशन। अब
यहाँ पे R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, F कांस्टेंट है, बस वेरी क्या करेगा, N, N की वैल्यू वेरी करेगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हर एक की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होंगे, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो उसकी वैलेंसी 3 है तो नंबर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 3, कॉपर की 2 है वैलेंसी तो कॉपर की 2, सो सिमिलरली N विल चेंज बट दीज थ्री वैल्यूज विल रिमेन कॉन्स्टेंट. सिमिलरली ये क्या है, M की कंसंट्रेशन, M मीन्स कोई मेटल है, अगर हम कोई मेटल लेते हैं प्योर मेटल, प्योर सॉलिड, चाहे वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, गैस स्टेट में, एट वन एटमोस्फेयर प्रेशर, हम स्टैंडर्ड कंडीशंस ले रहे हैं, टेम्परेचर की वैल्यू कितनी ले रहे हैं 298 केल्विन. सिमिलरली अगर हम प्रेशर वन एटमोस्फेयर लेते हैं, स्टैंडर्ड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशंस लेते हैं, तो प्योर सॉलिड जो होते हैं या लिक्विड या गैस प्योर, उनकी वैल्यू क्या होती है 1 यूनिटी. सो जो भी प्योर मेटल लेंगे यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1. सो अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज पुट करें व्हाट विल वी गेट, सो लेट अस पुट दीज वैल्यू इन दिस इक्वेशन. सो ई सेल will be equal to E naught cell minus R की value 8.314 into temperature 298 Kelvin upon N. N will vary, so N ही लेंगे into F 96500 कूलर log. This log multiply by M. M क्या है, pure. Pure की concentration की value कितनी होती है 1, that is unity upon M N positive. So अगर आप इसको solve करोगे you will get E naught cell minus 0.0591 upon N log 1 upon M N positive. So this is the formula for electrode potential at any concentration. So ये वैल्यूज कांस्टेंट का हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी, एन की वैल्यू वेरी करेगी और यहाँ पे ये चीज वेरी करेगी. अब ये है क्या, दिस इज प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन. सो जो भी हमारी रिएक्शन होगी, सपोज ये रिएक्शन है, इसमें प्रोडक्ट हमारा ये है, रिएक्टेंट हमारा ये है, सो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, दोनों की रेशियो जो होगी वो यहाँ पे आएगी. अब डिपेंड करता है प्रोडक्ट में हमारा प्योर है कि रिएक्टेंट में प्योर है, दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द रिएक्शंस. सो दिस इज द नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद दिस इक्वेशन. एंड इट इज ऑल्सो नेम्ड द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन. इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन पे क्या इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे देखो इसकी कंसेंट्रेशन के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है. जैसे Mn की पॉजिटिव, Mn पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन चेंज होगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल आल्सो चेंज. जैसे जैसे ये वेरी करेगी ये भी वेरी करेगी, मतलब इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन. ये इलेक्ट्रोलाइट ही है, सपोज हमने कॉपर टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट लिया है कॉपर सल्फेट, तो उसकी कंसेंट्रेशन के ऊपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है. सो इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो दिस वॉज द नर्नेस्ट इक्वेशन. नाउ हमने करना है व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन. एप्लीकेशंस, अब नर्नेस्ट इक्वेशंस कहां कहां यूज होती, एप्लीकेशंस ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन. सो फर्स्ट एप्लीकेशन इसमें आएगी कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल. कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल इसका क्या मतलब है, सपोज हमारे पास इक्वेशन दी है ए एक्स. सो ए बी आर रिएक्टेंट्स, these two are reactants and these two are products. These
these two will be at equilibrium. So, अगर हमारे पास ये equation दी है, then what are the products? These two and reactant these two. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो इनके आगे coefficients लगे हैं, ये कहाँ जाएंगे इनकी powers में. Means हमारी E cell was equal to E naught cell minus 0.0591 upon n log प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन. अब प्रोडक्ट ये दोनों है तो दोनों की कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाई करेंगे और ये कोफिशिएंट्स कहां जाएंगे पावर में ओवर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन. रिएक्टेंट्स हमारे क्या है ए एंड बी और इन दोनों की कंसेंट्रेशन सॉरी जो कोफिशिएंट्स है वो कहां जाएंगे पावर्स. सो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन हम किसी की भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जो है सेल की फाइंड आउट कर सकते हैं. सो लेट अस टेक वन एग्जांपल हियर. ये तो मैंने जनरल इक्वेशन ली कोई भी हम एग्जांपल ले लेते हैं. हमने गैल्वेनिक सेल में या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या एग्जांपल ली थी, हमने ली थी Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव फॉर्म्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जिंक प्लस कॉपर सल्फेट फॉर्म्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. सो यहां पे इस इक्वेशन में व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दीज टू एंड व्हाट आर द रिएक्टेंट्स दीज टू. क्यों? क्योंकि जिंक की हो रही है ऑक्सीडेशन, कॉपर की हो रही थी रिडक्शन. So this was the equation which we have discussed in the case of electrochemical cell or galvanic cell. So अगर हम यहीं पे ये चीज put करेंगे, इसकी value put करेंगे, so what will we get? Product की concentration Zn2 positive into copper की concentration upon reactants की concentration Zn into copper 2 positive. Now प्योर जिंक प्योर कॉपर मेटल जो है इनकी कंसेंट्रेशन की वैल्यू एट स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती है यूनिटी. सो Zn की कंसेंट्रेशन एंड कॉपर की कंसेंट्रेशन दोनों क्या हो गई वन. अगर ये दोनों वन हो गई तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास Zn2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन अपॉन कॉपर2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन. सो दिस इज द नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर दिस सेल and this cell was electrochemical cell जिसमें हम दो चीजें लेके चल रहे थे zinc and copper. so इस तरह से हम कोई भी हमें cell दिया हो तो उसकी हम electrode potential value calculate कर सकते हैं. अब जो यहाँ पे ये है this product की concentration over reactant की concentration, this is also represented by Q. So, Q क्या है यहां पे प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन. अब एक चीज दिमाग में रखनी है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं डालते तो इसका मतलब आप उसकी कंसेंट्रेशन नहीं फिल कर रहे. आपने सीधा ऐसे नहीं लिखना जिंक टू पॉजिटिव ओवर कॉपर टू पॉजिटिव, इसका मतलब कुछ नहीं है. दिस विल बी रॉन्ग. अगर आप इसके अराउंड स्क्वायर ब्रैकेट्स डालोगे देन इट विल बी द कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक टू पॉजिटिव एंड कॉपर टू पॉजिटिव. सो स्क्वायर ब्रैकेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिप्रेजेंट द कंसेंट्रेशन वैल्यूज ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स. सो क्यू इज द प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन एंड अब जो हमारे कोएफिशिएंट्स होंगे वो तो पावर में जाएंगे. सो क्यू इज ऑल्सो कॉल्ड रिएक्शन कोएफिशिएंट. रिएक्शन क्वेश्चन. सो यहाँ पे क्यू की वैल्यू हो तो उसका मतलब यही है जो हमने ऑलरेडी किया प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन. सो दिस वॉज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन दैट इज कैलकुलेशन ऑफ द सेल पोटेंशियल ऑफ एनी सेल. नाउ सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन इज कैलकुलेशन ऑफ concentration of electrolytic solution
ऑफ हाफ सेल। इसका क्या मतलब है कि अगर हमें सपोज एक सेल दिया है, यही सेल पिछला वाला हम कंसिडर कर सकते हैं, इसमें हमें जिंक टू पॉजिटिव ओवर कॉपर टू पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन की है। अगर हमें एक की कंसेंट्रेशन पता है, हाफ सेल की पता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल की पता है, और रिडक्शन हाफ सेल की हमें नहीं पता कंसेंट्रेशन क्या है, सो अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी होगी तो वी कैन पुट इट एंड फाइंड आउट द कंसेंट्रेशन वैल्यू ऑफ द अनदर हाफ सेल दैट इज प्रेजेंट इन द सेल। सो मींस अगर हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा तो उसकी हेल्प से हम कंसेंट्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ नर्नेस इक्वेशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन नर्नेस इक्वेशन। न्यूमेरिकल्स दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ कॉपर वायर डिप्ड इन 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसकी? कॉपर की। अब कॉपर है तो अभी कॉपर की एग्जांपल ली थी, कॉपर टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्स कॉपर, यही था। अब उन्होंने बोला कॉपर वायर इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट, सो कॉपर सल्फेट का कॉपर टू पॉजिटिव विल फॉर्म कॉपर। एट दिस टेम्परेचर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 0.34 वोल्ट। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स ई नॉट सेल दैट इज 0.34 वोल्ट, ये हमें गिवन है। तो हमने ई सेल निकालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला? ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन यहाँ पे कितना है? टू इलेक्ट्रॉन्स, तो टू इंटू लॉग प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। सो प्रोडक्ट में ये जो है दैट इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पे आप सीधा वन लिख सकते हो। नाउ द कॉपर टू पॉजिटिव कंसेंट्रेशन इज गिवन, व्हाट इज द कंसेंट्रेशन? 0.1 मोलर। सो लॉग 1/0.1 और इसको ई नॉट सेल की वैल्यू भी हमें पता है 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन 2। नाउ दिस लॉग कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए इसको ब्रेक करेंगे पॉइंट को, इट विल बी इक्वल टू लॉग, पॉइंट हटाया 10 ऊपर गया, 10/1 लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहां पे हम सीधा इसको सॉल्व करके 1 लिख सकते, लॉग 10 लिख सकते। तो लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व लॉग एंड एंटी लॉग फॉर दीज न्यूमेरिकल्स एंड शॉर्टकट ट्रिक्स, सो वी विल कंटिन्यू विद दैट। सो यू हैव टू लर्न लॉग 10 इज इक्वल टू 1। लॉग 10 टू द बेस 10 ही है ना ये वाला, एक लॉग होता है एल एन दैट इज द लॉग टू द बेस ई, एक होता है एल ओ जी दैट इज लॉग टू द बेस 10। एल ओ जी वाला लॉग 10 टू द बेस 10 जब हम करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 1। तो यहां से हमारा ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा 0.3104 वोल्ट्स। सो दिस इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस सेल। दिस वॉज द फर्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द नर्नेस इक्वेशन। Now let us start with the second numerical. Write the Nernst equation and calculate EMF of the following cell. हमने EMF निकालनी है। अब EMF निकालनी है, it means यहाँ पे क्या calculate करना है? E cell at any concentration. So standard electrode potential में निकालनी क्या निकालनी है? EMF. अब cell क्या दिया हमें? हमने बोला कैलकुलेट ई एम एफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। सो टेम्परेचर हमें दिया है, सेल हमें क्या दिया है? कॉपर स्लैश कॉपर टू पॉजिटिव 0.130 मोलर। दिस इज द कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर, दिस इज द सॉल्ट ब्रिज ए जी पॉजिटिव
ब्रैकेट में उसकी कंसेंट्रेशन दी है 1 × 10⁻⁴ मोलर स्लैश Ag. दिस इज द सेल गिवन E नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर दैट इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट एंड E नॉट Ag पॉजिटिव टू Ag दैट इज इक्वल टू 0.80 वोल्ट. इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके जेई मेंस एडवांस में और नीट के एग्जाम्स में भी आते हैं. तो ये न्यूमेरिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड्स एज वेल एज फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो अब हमने निकालना क्या है ईएमएफ. उसके लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए. फॉर्मूला क्या था, ई सेल ईएमएफ ऑफ अ सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन एन. एन की वैल्यू हम देखते हैं क्या आ रही है, देन लॉग प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन. सो अब सबसे पहले हम इसकी इक्वेशंस बनाएंगे हाफ सेल की, तभी हमें पता लगेगा ओवरऑल इक्वेशन क्या बन रही है. सो मैंने आपको जब सेल रिप्रेजेंटेशन की थी हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, उसमें बताया था लेफ्ट हैंड साइड इज द एनोड एंड राइट हैंड साइड इज द कैथोड. सो एनोड में क्या होती है, ऑक्सीडेशन एंड कैथोड में क्या होती है, रिडक्शन. सो लेट अस मेक द इक्वेशन फर्स्ट. कॉपर की क्या होनी है, ऑक्सीडेशन. सो कॉपर विल फॉर्म कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. नाउ Ag, Ag पॉजिटिव, इसमें क्या होनी है, रिडक्शन, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स Ag. सो दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड दिस इज द रिडक्शन हाफ रिएक्शन. नाउ अब हम इनके, मैंने किया था लास्ट टाइम भी कि इलेक्ट्रॉन्स जब तक इक्वल नहीं होंगे हम ओवरऑल इक्वेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 1 है. सो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2, यू विल गेट 2 हेयर एंड 2 हेयर. नाउ वट विल बी द ओवरऑल इक्वेशन, कैंसल दीज 2, यू विल गेट कॉपर प्लस 2 Ag पॉजिटिव फॉर्म्स 2 Ag प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव. दिस इज द ओवरऑल इक्वेशन. नाउ कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 2. सो n की वैल्यू आ गई, प्रोडक्ट्स हमारे ये आ गए, रिएक्टेंट्स हमारे ये आ गए, यहां पे पुट कर सकते हैं. सो लेट अस पुट इट, E नॉट सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड माइनस 0.0591 अपॉन N. N कितना आ गया, 2 log प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन, ये दोनों है प्रोडक्ट्स, सो ये पावर में जाएगा. सो Ag की पावर 2 इंटू कॉपर 2 पॉजिटिव अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, कॉपर एंड Ag पॉजिटिव की पावर 2. सो इसकी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, 1 की पावर 2 करेंगे तो भी 1 आएगा. सो यू कैन फॉरगेट दीज 2. सो अगर हम ये दोनों भूल जाते हैं, सो हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू आ गई, लॉग कॉपर 2 पॉजिटिव अपॉन Ag पॉजिटिव की पावर 2. नाउ E नॉट सेल निकालने का मेथड, ई कैथोड माइनस ई एनोड. कैथोड यहाँ पे कौन सा है, सिल्वर. सो यहाँ पे अब दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज दी है, सो वी कैन माइनस डायरेक्टली, वी नो नीड टू चेंज द साइन. सो यहाँ पे क्या आएगा, 0.80 माइनस ई एनोड दैट इज 0.34. नाउ 0.0591 अपॉन 2 लॉग कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन क्या दी हुई थी, 0.130 मोलर अपॉन Ag पॉजिटिव की वैल्यू 10⁻⁴. अब इसकी पावर कितनी आएगी, 2. नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस फर्स्ट, देन यू विल सॉल्व इजीली. सो दिस कैन बी सॉल्व एज
टेन रेस्ट पर माइनस फोर की पावर टू, तो क्या आ गई टेन रेस्ट पर माइनस एट, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एट, सो लॉग 0.130 अपॉन क्या आ गया टेन रेस्ट पर माइनस एट, ये ऊपर जाएगा ये क्या आ जाएगा लॉग, अगर इसको हम चेंज कर दें 1.3, पॉइंट इधर शिफ्ट कर दें तो क्या होगा, पॉइंट अगर ये इधर शिफ्ट करेंगे तो एक टेन जो होगा दैट विल बी फॉर्म एंड माइनस एट ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एट, और इसका पॉइंट एक माइनस होगा यहाँ पे जब तो क्या आ जाएगा सेवन, तो टेन की पावर कितनी आ गई सेवन, हमने ये पॉइंट को इधर शिफ्ट किया जो प्लस वन में ऑलरेडी हम कर चुके हैं, एक टेन जो होगा वो नीचे आ जाएगा। नाउ ये हमारे पास आ गया, अब इसको सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लगेगा लॉग एम इंटू लॉग एन, लॉग एम इंटू लॉग एन का फॉर्मूला क्या था लॉग एम प्लस लॉग एन, ये पावर है पावर आगे आ जाती है तो इट विल फॉर्म सेवन लॉग टेन, लॉग टेन की वैल्यू कितनी होती है वन, एंड लॉग 1.3 विल बी इक्वल टू 0.1139 प्लस सेवन इंटू वन, ये वैल्यू कैसे आई वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर इन डिटेल हाउ टू फाइंड द लॉग एंड एंटी लॉग ऑफ वेरियस वैल्यूज इन दीज न्यूमेरिकल्स। सो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू विल बी, पूरा सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 7.1139, यहाँ पुट करेंगे यू विल गेट ई सेल विल बी इक्वल टू ये वैल्यू कितनी आई 0.46 और बाकी सारा सॉल्व करके आ जाएगा 0.21 दैट इज इक्वल टू 0.25। सो दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल कैन ऑल्सो कम इन योर एग्जाम बेस्ड ऑन द एनोनेस्ट इक्वेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर द बोर्ड एज वेल एज फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल, सो एमसीक्यूज बेस्ड भी है ये, तो ये चीज ध्यान में रखनी है यहाँ पर, ये पावर जो है ये अंदर नहीं ले जानी हमने, ए जी पॉजिटिव की जो कंसेंट्रेशन होगी उसका स्क्वायर कर, एंड लॉग की वैल्यू हम ध्यान से मैथ्स के फॉर्मूलाज आपने ऑलरेडी किए हुए लॉग वाले, बट फिर भी लॉग टेबल की हेल्प से या बिना लॉग टेबल की हेल्प से लॉग कैसे निकालते हैं वी विल फाइंड आउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो दिस वॉज द न्यूमेरिकल, now the last numerical that is based upon the second application of Nernst equation kya tha ki agar hume kisi ki concentration half cell ki kisi electrode ki concentration nahi pata so we can find out with the help of this Nernst equation, ab uske base pe ek numerical karte hain, so numerical third that is statement kya hai the emf of the cell, cell kya diya hua hai zn slash Zn to positive, Breckenridge की concentration दी है 0.1 molar, salt rich, cadmium to positive, Breckenridge की concentration X and cadmium. So ने बोला the EMF of the cell this is 0.3305. So E cell हमें दिया हुआ 0.3305 volts. At 298 Kelvin, calculate the value of X. X हमने निकालना है, means इसकी concentration निकालनी है. So second application आ गई. So X की value calculate करनी है. Given क्या है हमें? E naught Zn to positive to Zn that is equal to minus 0.76 volt and E naught cadmium to positive to cadmium that is equal to minus 0.40 volts. So this is given already. Now, अब find out कैसे करना है, पहले तो हम E, यहां से E naught cell निकाल सकते हैं, so E naught cell will be equal to E cathode minus E anode. Cathode, right hand side वाला cathode है और ये क्या है anode. इसकी value, cathode की value that is minus 0.40 minus anode की value. So minus minus will be plus. So E naught की वैल्यू हमारी यहां से आ जाएगी 0.36
gold. So this is the value of E naught cell. अब E naught cell हम लगा सकते हैं उसमें easily. E cell में. So E naught cell कितनी आ गई? 0.36 volt. So formula E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon n log. प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन, प्रोडक्ट अब क्या होगा यहाँ पे, ओवरऑल रिएक्शन पहले बनानी पड़ेगी. सो ओवरऑल रिएक्शन ग्राफ में बना सकते हो आप. जिंक की ऑक्सीडेशन, जिंक से क्या बनेगा, जिंक टू पॉजिटिव. और कैडमियम की रिडक्शन, कैडमियम टू पॉजिटिव से क्या बनेगा, कैडमियम. सो प्रोडक्ट हमारा ये वाला आएगा, इसकी तो वैल्यू 1 हो गई और रिएक्टेंट हमारा ये है. सो Zn टू पॉजिटिव इज प्रोडक्ट अपॉन Cd टू पॉजिटिव. N की वैल्यू कितनी आएगी, 2. सो वी विल पुट ऑल द वैल्यूज नाउ. E सेल कितना है, 0.3305 इज इक्वल टू 0.36 माइनस 0591 अपॉन 2 लॉग. जिंक टू पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन इज 0.1 अपॉन इसकी X. X वी हैव टू फाइंड आउट. अब बाकी सारी कैलकुलेशन तो आप इजीली कर सकते हो. इसमें अब क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए. अब इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स. अब एक्स कैसे निकालेंगे, देखो ये मैं सॉल्व कर रही हूं, बाकी आप इजीली कर सकते हो. इसको हम लिख सकते हैं लॉग 1 अपॉन 10x, लॉग 1 अपॉन 10x. नाउ लॉग m अपॉन n का फॉर्मूला लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n, यही था. अब लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0. log of 10x, 10x means, 10x कैसे सॉल्व करेंगे, log of 10, फिर वही आ गया m into n, so ये क्या होगी, 0, so log 10, minus था, तो minus अगर खोलेंगे, minus log of x, log 10 क्या हो गया, 1, 0 minus 1 minus log of x, so end में हम log of x निकाल लेंगे. So log of x will come out to be, log of x will come out to be minus 2. जब आप इसको सारा सॉल्व करोगे तो log x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2. सो x will come out to be 0.01 volt. So ये कैसे निकला, एंटी log of माइनस 2. एंटी log of माइनस 2 जब आप करोगे कैसे करोगे, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. जब आप उसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 0.01 मोलर आंसर. सो दिस इज द फाइंडिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द हाफ सेल विद द हेल्प ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन. दैट वाज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन. सो दिस वाज ऑल अबाउट द नर्नेस्ट इक्वेशन. नेक्स्ट वी विल move further from Nernst equation in the next lecture. Till then, thank you so much for watching my video. Keep liking and sharing it with your friends. If you have not subscribed our channel yet, please do subscribe. And also send me any query related to the topic in the comment box. If you have any problem in solving the numerical, you can send me the screenshot or the statement in the comment box. I will solve it for you. Thank you so much. Bye-bye.